ऑल नो आई एम आलिशा पनवर और हम सब जानते हैं कि इस वक्त COVID-19 की वजह से हम सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस हम सभी साथ में फेस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट हम घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो प्लीज़ आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए और जितनी भी बेसिक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसे फॉलो कीजिए। और जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे झेला है, इवन आई एम वन ऑफ देम क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। माई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जस्ट वेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मेरी गुड़िया शो जो कि करंटली चल रहा था, अभी रिसेंटली हमने उसके 50 एपिसोड्स कंप्लीशन की पार्टी की थी, बहुत जल्दी 100 एपिसोड्स भी पूरे होने वाले थे लेकिन उससे पहले शो ऑफ एयर चला गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम लास्ट डे शूट कर रहे थे बिफोर लॉकडाउन, तो हमें ये लगा कि आफ्टर लॉकडाउन दोबारा हम यहाँ आएंगे शूट करेंगे, बट हमें नहीं मालूम था कि वो हमारा लास्ट डे ऑफ शूट था। और जब अभी सबको मालूम हुआ कि शो ऑफ एयर चला गया है तो ऑब्वियसली सभी अपसेट थे क्योंकि हम कोई किसी से अच्छे से मिला नहीं लास्ट डे ऑफ शूट पे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो लास्ट डे ऑफ शूट है। एंड आई विल ऑलवेज मिस मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया ने मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एक अलग यू नो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मैंने कभी फैंटेसी बेस्ड शो पहले नहीं किया था। एंड वो शो करके मुझे माइथो का फील आया एंड बहुत इन्जॉय किया मैंने, दैट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड मैं हमेशा उन मेमोरीज़ को चेरिश भी करूँगी। सो इट वॉज़ फन वर्किंग इन मेरी गुड़िया एंड आई विल मिस एंड आई एम मिसिंग ऑल माई को एक्टर्स कास्ट एंड एवरीबडी। एंड वेल आई वुड जस्ट से दैट जो भी होता है उसके लिए एक रीज़न होता है एंड आई थिंक जो चैप्टर शुरू होता है दैट हैज़ टू एंड सम टाइम एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर मेरी गुड़िया का चैप्टर भी बंद हो गया। लेकिन मे बी आफ्टर लॉकडाउन बहुत जल्दी मैं कोई नया चैप्टर लेकर आऊँ आप सभी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंड आई एम श्योर आई विल डू दैट वेरी सून। बट फिलहाल लॉकडाउन, COVID-19 क्राइसिस, ऑल दिस इज़ हैपनिंग। लेकिन मैं सच में पर्सनली आप सबको ये कहना चाहूँगी कि सी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सब पॉजिटिव रहें और आगे आए मदद के लिए, हम जिसकी भी मदद कर सकते हैं अगर हमें लगता है तो हमें इस वक्त मदद ज़रूर करनी चाहिए। एंड आई हैव ऑल्सो यू नो हर्ड इन न्यूज़ एंड फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कि कई एक्टर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है जिन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिला है उनके कुछ शोज़ का। और अगर पर्सनली बात की जाए तो एक्चुअली दैट्स ट्रू बिकॉज इवन यू नो आई एम सफरिंग, लाइक एवरीबडी इज़ सफरिंग आई वुड से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रोड्यूसर्स नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं पेमेंट्स और एक्टर्स को या जो दूसरे वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के उन्हें नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट एक्टर्स बिकॉज देर इज़ यू नो टाइम स्पैन फॉर एक्टर्स, लाइक देर इज़ अ साइकिल फॉर एक्टर्स, लाइक दे डोंट गेट एवरी मंथ, दे गेट आफ्टर फ्यू मंथ्स द शो इज़ ऑन एयर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मी तो हाँ, ये जो लॉकडाउन है वो क्राइसिस हम सबको फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे भी कुछ पुराने शोज़ के पेमेंट नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। बट आई गेस वी ऑल हैव टू फाइट विद इट टुगेदर एंड वी ऑल हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर जो होगा अच्छा ही होगा बहुत जल्दी। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए ताकि हम अच्छे से शूट कर सकें और सबकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए नॉर्मली। एंड एट द लास्ट आई वुड जस्ट से दैट गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ आप सभी जो गाइडलाइंस है बेसिक गवर्नमेंट की उसे फॉलो कीजिए एंड एनिमल्स के साथ बहुत काइंड रहिए और किसी को हर्ट मत कीजिए जिसकी आप मदद कर सकते हैं इस वक्त, प्लीज़ उसकी मदद कीजिए एंड स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।